हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो यार देखो, बात बहुत सिंपल है, कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि कैसे हैं आप लोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस पेटीएम इन्फोटेक चैनल पर नए हो और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ऐसा चैनल आपको दोबारा नहीं ना मिलेगा। और अगर ये वीडियो आपको कहीं भी खुश कर पाई तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए पेटीएम ओपन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मेरा पेटीएम ओपन हो रहा है। तो कल की ट्रिक में अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझे मेरे नंबर 7766010501 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना लॉग इन टू पेटीएम करके अपना नंबर डालता हूँ। ये मैं उसके बाद मैं प्रोसेस सिक्योरिटी करता हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मुझे पासवर्ड डालना है। यार क्या था पासवर्ड फ्रेंड्स, मैं भूल गया। तो यार तो पासवर्ड भूल गया तो क्या करूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स। पासवर्ड भूल गए तो एक यहाँ पर देखिए साइड में एक ऑप्शन है फॉरगॉट योर पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर एक नंबर शो कर रहा है आपको, ये नंबर शो कर रहा है। तो आपको डायलर में जाकर डायल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पर इस नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका डायलर ओपन हो जाएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ, देखिए इस प्रकार डायलर ओपन हो गया। तो आप जिस नंबर का पासवर्ड भूल चुके हैं तो उस नंबर से आपको इस नंबर पर फ़ोन लगाना है। मैं लगाता हूँ फ़ोन। तो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत है। फॉर इंग्लिश प्रेस 1। तो इस पर बोला जाता है हिंदी के लिए 2 दबाएं। तो मैं इंग्लिश में रखना चाहता हूँ। डियर कस्टमर, नेवर शेयर योर ओटीपी। आपको एक दबा देना है, या तो सुनना है तो सुन सकते हैं आप। विद एनीवन, इफ यू विश टू चेंज योर पासवर्ड प्रेस 1 और टू डिस्कनेक्ट द कॉल प्रेस 2। अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना है तो 1 दबाएं। वी हैव सेंट एन ईमेल एंड एसएमएस विद अ लिंक टू रीसेट योर पासवर्ड। क्योंकि मेरा जो पासवर्ड का लिंक आ चुका है, ईमेल में भी आ चुका है और देखिए मैसेज में आ चुका है। तो मैं अपना मैसेज बॉक्स ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नीचे ये अभी मैसेज आया 2:35 पर। तो इस मैसेज के लिंक पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर लिंक पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन आता है, तो ब्राउज आपको करना है। तो ये आपके सीधे ब्राउजर में खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक अपना नया पासवर्ड जो आप भूल चुके हैं, फिर एक नया पासवर्ड जो रखना है उसको वहाँ पर डायल करना है। तो मैं अपना नया पासवर्ड को डायल कर लेता हूँ। तो मैंने अपना पासवर्ड डायल कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर देखिए एक बटन दिख रहा है प्रोसीड का, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर प्रोसीड पर मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद इस तरह लिखा यहाँ पर लिख रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर पासवर्ड इज अपडेटेड। उसके बाद ये नया पेज पेटीएम में खोल देगा। तो यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर आप जैसे मैसेज भी मेरा आ चुका था, तो यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका लॉगिन नहीं होगा तो आप पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका था, मैं बेफिक्र यहाँ पर इसे हटा देता हूँ और अपना यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ जो पासवर्ड मैंने रखा था। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना पासवर्ड इंटर कर लिया है। तो चलिए जब यहाँ पर जो है बटन प्रोसीड सिक्योरली, इस पर आपको क्लिक करना है। ये यहाँ पर भी वेरीफाइंग कर रहा है। और ये देखिए मैंने पासवर्ड चेंज किया था इसलिए मुझे ओटीपी मांगा जा रहा है। तो ये ओटीपी मेरा आ चुका है, तो मैं अपना ओटीपी इंटर कर देता हूँ। तो देखिए वेरीफाइंग कर रहा है कि सही है या गलत, उसके बाद ये प्रोसेसिंग करेगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास मैसेज भी आ गया कि पेटीएम लॉगिन रिक्वेस्ट रिसीव हुआ एक नया फ़ोन से। तो ये मुझे होने दीजिए वेरीफाई। तो मेरा नेट थोड़ा स्लो है, चलिए ये वेरीफाई हो चुका है। तो देखिए मेरा पेटीएम लॉगिन हो चुका है, मेरा अपना पेटीएम। मैं पासवर्ड भूल चुका था फिर भी मेरा लॉगिन हो गया, पासवर्ड चेंज कर दिया मैंने। तो अगर आपके पास कोई नंबर है जिसमें पेटीएम बना हुआ, मतलब पासवर्ड आप भूल चुके हो, तो उस पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हो उस मोबाइल से, उस फॉरगॉट पासवर्ड वाले नंबर 01204888 पर फ़ोन करके आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब
मैंने थंबनेल पर लिखा है कि मैं इस वीडियो में दो ट्रिक बताऊंगा, तो पहला ट्रिक तो बता दिया। दूसरा ट्रिक है कि बिना OTP और पासवर्ड के किसी पेटीएम को मतलब लॉगिन कैसे करें। तो देखिए मेरा पासवर्ड चेंज हुआ था तो ईमेल भी आ गया। तो दूसरा ट्रिक था दोस्तों कि बिना OTP और पासवर्ड के पेटीएम में लॉगिन कैसे करें, तो वो ट्रिक भी आज आपको बताऊँगा। तो देखिए कहीं भी आप लॉगिन करेंगे, पेटीएम में ब्राउज़र में जाइए या इसमें पेटीएम में जाइए, कहीं भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको पासवर्ड मांगेगा, फिर पासवर्ड डालेंगे तो आपको OTP मांगेगा। तो बिना पासवर्ड OTP डाले लॉगिन कैसे करें, तो यहाँ पर दोस्तों और डिजिटल पेटीएम अकाउंट में तो पासवर्ड मांगेगा ही आपको लॉगिन करने के लिए, और अगर आप ब्राउज़र में खोलेंगे तो फ्रेंड्स बिना OTP और पासवर्ड के लॉगिन के लिए हमें ब्राउज़र को अपने ब्राउज़र किसी भी ब्राउज़र आपके मोबाइल में जो ब्राउज़र होंगे उसे ओपन करना पड़ेगा। तो मैं अपने इस क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट का नाम लिखना है, पेटीएम का ऑफिशियल वेबसाइट फ्रेंड्स PAYTM.com paytm.com, ये पेटीएम का ऑफिशियल वेबसाइट है, देख लीजिए इसे paytm.com। तो इस पर आप क्लिक करना है, ये इसका वेबसाइट खुल रहा है, ओपन हो रहा है। तो ये इस प्रकार ओपन होता है। यहाँ पर मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है तो ये धीरे के थोड़ा वेट करने दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा साइट इस प्रकार यहाँ पर लोडिंग हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर तो आपको पासवर्ड मांगेगा, जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा भी वर्क नहीं कर रहा है, तो रिफ्रेश इसको करते हैं, फिर इसको क्लिक करते हैं तो रुकिए ओपन होने दीजिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको लॉगिन टू पेटीएम का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मांगा जाएगा मोबाइल नंबर और पासवर्ड दोनों मांगा जाएगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ओपन होने दीजिए। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पर मोबाइल और यहाँ पर पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो पासवर्ड तो आप जानते नहीं होंगे तो कैसे लॉगिन करेंगे, तो वही आज आपको बताएंगे यही ट्रिक कि कैसे लॉगिन करना है आपको। तो सबसे पहले लॉगिन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर इस 3 डॉट यहाँ पर जो दिख रहा है साइड में, ये 3 डॉट इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको डेस्कटॉप साइट का, इस डेस्कटॉप साइट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जो बॉक्स दिख रहा है बॉक्स को फिलअप करना है, तो ये इस प्रकार यहाँ पर खुल जाएगा इंटरफेस। उसके बाद एक बार आपको रिफ्रेश मार देना, रिफ्रेश जब करेंगे आप इस वेब पेज को तो यहाँ पर खुलेगा इस प्रकार। ये देखिए मेरा फिर से paytm.com का वेबसाइट खुल चुका है जो मैंने पहले खोला था, लेकिन इस बार ये डेस्कटॉप साइट में है, मतलब कंप्यूटर में आप जिस प्रकार खोलते हैं उसी प्रकार में है डेस्कटॉप साइट में। तो आपको यहाँ पर साइड में एक दिख रहा होगा आइकन, यहाँ पर एक साइड में दिख रहा है नो आइटम्स इन योर पेज, इस पर आपको क्लिक करना है, या तो आप इसमें पेटीएम ऐप में भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जो पेटीएम वॉलेट दिख रहा है इस पर भी, लेकिन इसमें एक थोड़ी लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी तो इसमें छोटी है। तो आपको इस नो आइटम्स इन योर बैग पर क्लिक करना है, तो मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ पर इस प्रकार ओपन हो रहा है, और यहाँ पर एक QR कोड आया, तो इसको आपको स्कैन करना है दूसरे पेटीएम ऐप में जाकर, जिसका पेटीएम आपको लॉगिन करना है तो उस पेटीएम ऐप में जाकर इसको स्कैन करना है। तो जब आप स्कैन करेंगे तो पेटीएम ऐप थोड़ा वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम अपने दूसरे मोबाइल पर, जहाँ पर ये ओरिजिनल पेटीएम ऐप में लॉगिन है मेरा अकाउंट। तो उस पर आपको जैसे कि ऑप्शन दिख रहा है पे, या तो नीचे स्कैन का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं पे स्कैन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर इस प्रकार का कैमरा ओपन हुआ। तो कैमरा में आपको इस QR कोड जो नज़र आ रहा है यहाँ पर उसको स्कैन करना है, यहाँ पर जो QR कोड है इसको स्कैन करना है इतने। तो मैं स्कैन करता हूँ, मैं अपना ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। तो देखिए इसमें यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन आया, लॉग इन विद दिस अकाउंट इन paytm.com, तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। ये देखिए लॉग इन हो चुका है और मेरा भी यहाँ पर इस प्रकार का वेब पेज खुल गया। देखिए यहाँ पर वैलेट में 0 रुपये, और इसमें भी हम ओरिजिनल में ओपन करके दिखाते हैं तो पासबुक में यहाँ पर 0 रुपये ही है। तो ठीक है ये लॉग इन हो चुका है, तो फिर से आपको यहाँ पर paytm.com टाइप करना है, या तो आप बैक ले सकते हैं। बैक करते हैं फिर देखिए paytm.com का ओरिजिनल वेबसाइट खुल जाता है, और यहाँ पर सभी फीचर मिल जाते हैं जो कि आपको पेटीएम में मिलते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, DTH, गोल्ड, फीस, डोनेशन, सभी चीज़ मिल जाते हैं यहाँ पर। शॉपिंग के सभी ऑप्शन पेटीएम वाले मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको दो ट्रिक बताए, दोनों ट्रिक अगर यूजफुल रहे
और दोनों में से एक भी ट्रिक अगर आपके काम आ पाई और आपको खुश कर पाई तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।